चेयर का है। सो स्टैंड अप कॉमेडी बैठ के नहीं कर सकते। सो गाइस जिनको नहीं पता है मेरा नाम है आर्यन और आज हम करने जा रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी। प्लीज हंस लेना, वीडियो में लाफ्टिंग इफेक्ट नहीं होने वाले है, सो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये कहानी है अभी कुछ दिन पहले की, मीन्स एक महीने पहले की, कि मैं जा रहा था, मीन्स मेरे भाई को सी ऑफ करने जाना था, वो भोपाल जा रहा था। तो देन हमारा पूरा इंडियन कल्चर है ना, पूरा फैमिली जाता है सी ऑफ करने, एंड बहुत सारा सामान लेके रिश्तेदारों के घर जाना था, तो बहुत सारा सामान लेके जाना था उसको। सो हम सब गए, एंड यूजुअली हम 3 बजे की ट्रेन थी, तो हम 2:55 को घर से निकले थे। या एंड जब हमारा टाइम ख़राब चलता है ना, इंडियन रेलवे भी टाइम से आ जाती है, एंड रेलवे का टाइम था 3 बजे। सो हम कैसे ऐसे 3:03 को हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। किस्मत से ट्रेन आउटर रुकी थी, मीन्स 5 मिनट हमारे पास अब भी थे, एंड मुझे बहुत ज़्यादा सामान नहीं उठाना था, इसलिए मैं भाग गया प्लेटफॉर्म टिकट लेने। ट्रेन लेट हो रही थी, मैं प्लेटफॉर्म टिकट लेने गया, एंड उसमें मेरे सामने एक इंसान था, एंड तभी भाई बहुत टाइम लगा रहा था वो इंसान, तभी एक बच्चा आता है, मतलब मेरे जितना ही होगा, मेरे से थोड़ा सा छोटा, यू नो मेरी हाइट बहुत लंबी है, सो इतना बच्चा होगा। एंड वो बोलते एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज मी, मैंने सुना एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी की जगह। एंड मैं बहुत पैनिक सिचुएशन में था, मैंने बोला क्या एक्सक्यूज मी लगा रखा है भाई, हम मरने के पैसे लगते हैं क्या भाई, टिकट लेना है क्या, जाना भाई चुपचाप जाके कूद जा, कौन सा प्लेटफॉर्म टिकट लग रही है तेरे को, हमको लेट हो रहा है, ट्रेन है हमारी। वो बोलता भैया मैंने एक्सक्यूज भी बोला था, मेरी भी ट्रेन है, मेरे को भी लेट हो रहा था, मैं बोल रहा था कि मेरे लिए भी 2 टिकट ले रहा था, मैं पैसे दे रहा था। देन एक अंकल अब फिर मैंने बोला ठीक है चल, बच्चा समझ के छोड़ दे रहा,